बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है पर तस्करों के हौसले बुलंद है। इतने बुलंद कि अवैध शराब ढो रहे वाहन को रोकने आम आदमी तो क्या, पुलिस भी आ जाए तो वे उसे ठोक कर उड़ा देने से भी गुरेज नहीं करते। ऐसा ही वाक्य बिहार के औरंगाबाद जिले के अंबा थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार को झारखंड की सीमा से सटे एरका चेक पोस्ट के पास शराब ढो रहे वाहन ने पुलिस की गाड़ी को ठोक दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शराब लदी सेंट्रो कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि पुलिस वाहन के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही टक्कर में अंबा थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में प्रदेश की राजधानी पटना में हर ऐसो आराम से परिपूर्ण घरों में कैद रहे नेता अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच कोरोना से मृत हुए लोगों के परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने निकले हैं। ऐसे ही नेता हैं जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, जो इन दिनों पूरे बिहार के दौरे पर है। औरंगाबाद दौरे पर आए उपेंद्र कुशवाहा ने कोरोना से मरे लोगों को राज्य सरकार की ओर से सहायता और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का न केवल जमकर गुणगान किया, बल्कि यह भी दावा किया कि वे पीड़ित परिवारों से मिलकर उनके जख्मों पर मरहम भी लगा रहे हैं। सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। व्यक्तिगत कार्यक्रम उपेंद्र कुशवाहा का यह स्वरूप में नहीं है, पार्टी का कार्यक्रम और पार्टी की ओर से सभी जिलों में जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है और उसी क्रम में इस यात्रा में हम आपके भी हैं। नवादा शहर के भदौनी स्थित न्यू आजाद नगर मोहल्ले में बिजली नहीं आने से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मोहल्ले में पिछले 4 दिनों से बिजली का ट्रांसफार्मर खराब है। ट्रांसफार्मर खराब होने से लोग गर्मी की वजह से बेहाल हैं। बिजली नहीं आने से पानी की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। स्थानीय लोगों ने ऑनलाइन बिजली विभाग में शिकायत भी की है, लेकिन समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। उपभोक्ताओं ने कहा कि यहाँ अक्सर ट्रांसफार्मर खराब होता रहता है। बिजली बंद होने के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा सुधार कार्य को लेकर कोई सक्रियता नहीं बरती जा रही है। स्थायी तौर पर समस्या का समाधान बिजली विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। उपभोक्ताओं की माने तो 200 MVA का ट्रांसफार्मर है, जिस पर क्षमता से अधिक लोड है, जिस कारण ट्रांसफार्मर में तकनीकी समस्याएं आती रहती हैं। नहीं रहे, मुलाकातें नहीं हो रहा, वो बोल रहे वहाँ जाओ, वो बोल रहे वहाँ जाओ, कोई बोल रहे ऑफिस में जाओ। हम लोग इसी तरह से परेशान हैं। कितने दिन से परेशान हैं? 4 दिन से हम लोग इस तरह से परेशान हैं।